जय लक्ष्मी माता। मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, अधिक मास के पूर्णिमा की समाप्ति के साथ ही 15 दिवस बीत चुके हैं और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले 15 दिनों के अंदर अंदर आपको फायदा प्राप्त हो जाए, माता लक्ष्मी की और भगवान विष्णु की अखंड कृपा आपके जीवन के अंदर देखने को मिले, तो दोस्तों आज हम जो आपको उपाय बताएंगे कि अधिक मास के अब किसी भी दिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर फेंक दीजिए यह एक चीज, और फिर देखिए कि गरीबी और दरिद्रता भूल जाती है आपके घर का रास्ता। दोस्तों, अधिक मास के अंदर जिसे भगवान विष्णु का मास कहा जाता है, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का महीना कहा जाता है, क्योंकि इस महीने में साक्षात हरि नारायण धरती पर रहते हैं और साथ ही साथ धरती पर विचरण करते हैं। जिस किसी भक्त के उपाय के द्वारा अगर हरि प्रसन्न हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर हरि उसके घर के अंदर रहने के लिए आएंगे। तो समझ लीजिए कि अगर आपके जीवन के अंदर कुछ दरिद्रता जैसा चल रहा है, अगर आपको कोई शत्रु परेशान कर रहा है, परिवार के अंदर छोटी मोटी चीजों को लेकर आप परेशान चल रहे हैं, या फिर आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही है, दोस्तों इस एक उपाय के माध्यम से आप आगे नहीं कहने वाले हैं कि आपके जीवन के अंदर यह समस्या अब बार बार आ रही है। तो दोस्तों, अब 16 अक्टूबर तक अधिक मास बचा है और आप चाहते हैं कि इसका फायदा आपके जीवन के अंदर प्राप्त हो जाए और इस अधिक मास के दौरान आप कुछ ऐसा करके लौटे, क्योंकि दोस्तों अब आने वाले 3 साल तक आपको यह मौका दोबारा नहीं प्राप्त होगा। 3 साल का लंबा इंतजार करने के बाद ही आपको यह चीज देखने को मिलेगी, तो आप इस चीज को न गवाएं। इसके अंदर न तो आपका कोई धन खर्च होता है, न किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान होता है। अगर मिलता है तो आपको केवल फायदा ही फायदा मिलता है। इस वजह से इस उपाय को कीजिए ताकि आपके घर के अंदर खुशियां और रौनक आए। तो दोस्तों, बात करते हैं उपाय की कि आपको अपने घर के द्वार पर अधिक मास के दौरान क्या उपाय करना होगा। दोस्तों, पूर्णिमा के बीतने के बाद अधिक मास बहुत ज्यादा प्रभावी हो जाता है, जो कि आने वाली अमावस्या तक आपको दिव्य फायदा प्राप्त करवाता है। दोस्तों, हर कोई व्यक्ति के घर की निशानी होती है घर का मुख्य द्वार। अगर किसी व्यक्ति के घर का मुख्य द्वार उत्तम रहता है तो समझ लीजिए कि देवी देवता उस घर के अंदर प्रवेश उसी द्वार के माध्यम से करते हैं। अगर व्यक्ति का घर का द्वार ही अच्छा नहीं रहता और द्वार के अंदर ही कमियां रहती है तो समझ लीजिए कि उस घर के अंदर देवी देवता तो प्रवेश नहीं कर पाते, लेकिन बुरी शक्तियां, नकारात्मक शक्तियां, आपका काम बिगाड़ने वाली शक्तियां तुरंत प्रभाव से आकर्षित हो जाती है और वह आपके घर के द्वार के अंदर प्रवेश कर लेती है। तो आपके ऊपर है कि आप अपने घर के द्वार के ऊपर किसे अपने घर के अंदर लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अधिक मास के दौरान अगर आप अपने घर के वास्तु को सुधारना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि घर के अंदर धन की बरकत हो, पारिवारिक रिश्ते मजबूत हो, तो सबसे पहला तो यही काम करें, अधिक मास के दौरान रोजाना तुलसी के अंदर मिलाया हुआ जल, अर्थात कि तुलसी के पत्तों के माध्यम से मिलाया हुआ जल आप प्रतिदिन सुबह अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़काव करें। इससे क्या होगा, भगवान सत्यनारायण को, माता लक्ष्मी को तुलसी बहुत ज्यादा प्रिय है और जिस घर के द्वार पर तुलसी के पानी की सुगंध होती है वहां पर अपने आप ही देवता विचरण करने लगते हैं, वहां पर अपने आप ही देवी देवताओं का निवास हो जाएगा और देवता आपके घर के अंदर से आकर्षित होंगे और बुरी शक्तियां तुरंत से आपके द्वार पर ही जल जाएगी, वह आपके घर के अंदर प्रवेश नहीं करती है। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो दोस्तों, अपने घर के मुख्य द्वार पर अधिक मास के दौरान आप क्या करें, थोड़ी सी हल्दी ले लें, थोड़ी सी चावल ले लें और थोड़ा सा किमकुम ले लें। अब तीनों को मिक्स कर लें। हल्दी भगवान सत्यनारायण का प्रतीक है, तो चावल भगवान सत्यनारायण को, भगवान विष्णु को जरूर अर्पित किया जाता है और साथ ही साथ कुमकुम, जिससे माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा आकर्षित होती है। इन तीनों का एक योग बना लें, इनको बारीक पीसने के बाद एक मिश्रण तैयार कर लें और इनकी मदद से आपको प्रतिदिन अपने घर के मुख्य द्वार पर अधिक मास के दौरान तिलक बनाना चाहिए, जिससे क्या होगा कि यह तिलक इतना प्रभावशाली होता है कि बुरी शक्तियों को आपके घर के द्वार से ही जला जाता है और साथ ही साथ आपके घर के अंदर कोई प्रवेश करता है तो उसका मन भी सकारात्मक हो जाता है, वह आपके लिए कभी भी गलत सोच नहीं सकता। जिसकी नजर स्वास्तिक पर पड़ती है वह आपके बारे में सदैव अच्छा ही सोचता है और साथ ही साथ आप भी अपने घर से बाहर किसी कार्य हेतु जाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके उस कार्य के अंदर अचानक आपको अपने आप ही सफलता प्राप्त होने लगती है, जिसका कारण होता है आपके घर के द्वार पर लगा यह स्वास्तिक, जिसके ऊपर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु की विशेष कृपा देखने
देखने को मिलती है। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वार को और प्रभावी बनाया जाए तो घर के मुख्य द्वार पर अधिक मास से लेकर दीपावली तक रोजाना आप नियम कर लें कि आप घर के मुख्य द्वार पर एक बंदरवार का निर्माण जरूर करें। बंदरवार जो कि आप पीपल के पत्तों के माध्यम से बना सकते हैं। आप क्या करें कि पीपल के पत्तों की, क्योंकि भगवान सत्यनारायण को पीपल के पत्ते बहुत ज़्यादा प्रसन्न करते हैं, उनको प्रसन्न करने के साथ ही यह पत्ते आपके घर के अंदर सकारात्मकता का भंडार लेकर आते हैं। आप अशोक की माला का बना सकते हैं, आप केले के पत्तों की से बना सकते हैं। आप बंदरवार का निर्माण करें और अपने घर के द्वार पर लगाएं और इसे जब ये पत्ते सूख जाएं तब बदलकर आप दूसरी बना लें। इससे निश्चित तौर पर आपके परिवार के सदस्यों के अपने आप ही कार्य करने की शक्ति बढ़ जाती है, सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, जिसकी वजह से अपने आप ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं, सकारात्मक चीजें आपके ऊपर देखने को मिलती है। तो आपको इसके बाद चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती। आप जैसा सोचते हैं वैसा आपका मन होता है और आपके मन के वजह से आपको उन कार्यों के अंदर तरक्की देखने को मिलती है। आपके वह कार्य अचानक ऐसे ही बनने लगते हैं। इसी वजह से आप पीपल के पत्तों की माला अपने घर के मुख्य द्वार पर जरूर बनाएं। अब दोस्तों बात करते हैं कि मुख्य उपाय की, कि ऐसा कौन सा मुख्य उपाय है जो कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर कर लेते हैं। समझ लीजिए कि आपके सारे काम बन जाएंगे, आपको किसी एक कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये तो छोटे मोटे उपाय थे, लेकिन अब बताएंगे आपको एक विशेष उपाय। तो दोस्तों आप क्या करें कि अधिक मास के दौरान आप 4 से 5 बार ये उपाय करेंगे तो आपका काम बन जाएगा। आप क्या करें कि 5 लौंग ले लें और 5 लौंग लेकर अपने घर के मुख्य द्वार पर आपको आ जाना है। मुख्य द्वार पर या अपने घर के पूजा घर के अंदर ही आप कर सकते हैं। अब आप क्या करें कि कपूर ले, कपूर पूजा के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अपने घर की जो सामान्य आप रोजाना की पूजा करते हैं वैसे ही आपको पूजा करनी है, कोई विशेष तामझाम आपको नहीं करना है। आप क्या करें कि कटोरी के अंदर आपको कपूर रखना है पूजा वाला, और कपूर की आपको आरती करने के बाद उसके अंदर आपको एक एक करके आपको लौंग जला देना है। और आपको अपने घर के अंदर जो भी स्थान होता है आपके घर का, एक भी कोना कोना नहीं छूटना चाहिए, चाहे वह सीढ़ियों के नीचे हो, रसोई हो, बालकनी हो, कहीं भी हो, आपको आपके घर के अंदर सब जगह उसकी ज्योति आपको फेर देनी है, उसकी ज्योति आपको घुमा देनी है। क्योंकि दोस्तों अधिक मास का यह महीना आपके घर की नकारात्मकता को आपके घर से दूर कर देगा, और साथ ही साथ जहां लवंग और कपूर की एक साथ में खुशबू होती है अपने घर के अंदर आप देखेंगे कि साक्षात देवी देवता प्रवेश करेंगे। आपके घर के अंदर सकारात्मक शक्ति भर जाती है और आपके घर का वास्तु दोष होता है, आपके घर के अंदर से बुरे विचार होते हैं, आपके सदस्यों के बीच में भी आपसी तकरार होते हैं तो वो अपने आप ही चले जाते हैं। अब आप क्या करें कि इसे अपने घर के पूरे घर की ज्योति, आपको वह ज्योति घुमा देनी है, और घूमने के तत्पश्चात सबसे अंत के अंदर आपको वह कपूर और लवंग अपने घर के मुख्य द्वार पर, उसका जो काला चीज बच जाती है, अपने घर के मुख्य द्वार के दाईं तरफ आपको फेंक देनी चाहिए। आपको ध्यान रखना होगा कि बाईं तरफ आप न फेंके, दाईं तरफ आपको फेंक देनी चाहिए, जिससे आपके घर के अंदर से फिर अपने आप ही नकारात्मकता, बुरी शक्ति, नजर दोष या ऐसी कोई भी चीजें होती है वह चली जाती है, और आपको देखने को मिलेगा एक प्रकार से एक अलग ही ओजस्व देखने को मिलता है कि कैसे आपके घर के अंदर सकारात्मकता बढ़ जाती है, परिवार के सदस्यों के बीच में प्रेम बढ़ता है। आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य के अंदर आपको लाखों गुना बरकत देखने को मिलती है। अर्थात आप 1000 रुपए लगाकर कोई भी काम करेंगे तो उसके अंदर हजारों लाखों होने की गुंजाइश कई गुना बढ़ जाती है, और साथ ही साथ बच्चों का मन भी पढ़ाई के अंदर लगने लगता है, आपके कार्य क्रियान्वित होने लगते हैं। तो इसमें आपको और बड़ी किस चीज की जरूरत पड़ती है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में यही है कि व्यक्ति मेहनत भी कर लेता है, काम भी कर लेता है, लेकिन उसको उसके अनुरूप परिणाम नहीं मिलते। वह जैसा सोचता है वह चाहता है कि उसका वैसा काम बन जाना चाहिए था, लेकिन वह कार के ऊपर पानी फिर जाता है। लेकिन यह उपाय करने के बाद आप नहीं कहेंगे कि आपके कार्यों के ऊपर पानी फिर गया है या फिर आपके कार्य हो नहीं पा रहे हैं। आप यही कहेंगे कि हाँ, वास्तव में अधिक मास के दौरान मैंने यह उपाय किया और मेरे ये कार्य बन गए। आने वाले 3 साल के बाद वो आप और अधिक मास का इंतजार करेंगे कि आने वाला अगला अधिक मास कब आएगा और ऐसे सकारात्मक परिणाम, ऐसे सकारात्मक उपाय मैं और करूं ताकि मेरे घर परिवार के अंदर सुख समृद्धि देखने को मिले। तो दोस्तों उम्मीद है कि ऐसी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे ताकि माता लक्ष्मी जी से जुड़ी
ऐसी जानकारी और उपाय आपको मिलते रहे और आपका काम बनता रहे। तो दोस्तों धन्यवाद है आपका, इस वीडियो को आपने पूरा और अंत तक देखा, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, जय माता लक्ष्मी मित्रों।